Myself, Dr. Seema Sharma, Assistant Professor, Sociology, SD Government College, Byawar. आज हम विवाह से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ेंगे। विवाह से संबंधित सभी नियमों को हम अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह आदि चार भागों में बांट सकते हैं। संक्षेप में हम यहाँ इनका विवेचन करेंगे। पहला है अंतर्विवाह, एंडोगैमी। अंतर्विवाह का तात्पर्य एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करे। यह समूह अलग अलग लोगों के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसे परिभाषित करते हुए डॉक्टर रिवर्स लिखते हैं, अंतर्विवाह से अभिप्राय उस विनिमय से है जिसमें अपने समूह में से ही विवाह साथी को चुनना अनिवार्य होता है, जिसे हम एक उदाहरण के रूप में से समझ सकते हैं। जैसे जाति है, जाति के अंदर भी एक व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करता है तो यह नियम अंतर्विवाही नियम कहलाएगा। दूसरा है बहिर्विवाह, एक्सोगैमी। बहिर्विवाह से तात्पर्य है एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। रिवर्स लिखते हैं कि बहिर्विवाह से बोध होता है कि उस विनिमय का जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह से अपना जीवन साथी ढूंढे। हिंदुओं में बहिर्विवाह नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को अपने परिवार, गोत्र, प्रवर, पिंड आदि समूह के बाहर विवाह करना पड़ता है। जनजातियों में एक ही टोटम को मानने वाले लोगों को भी परस्पर विवाह करने की मनाही है। हिंदुओं में प्रचलित बहिर्विवाह के स्वरूपों को हम यह संक्षेप में समझेंगे। पहला है गोत्र बहिर्विवाह। हिंदुओं में सहगोत्र विवाह निषेध है। गोत्र का अर्थ होता है उन व्यक्तियों का समूह जिनकी उत्पत्ति एक ही ऋषि पूर्वज से हुई हो। सत्याष्टा, हिरण्यकेशी, शोध सूत्र के अनुसार विश्वामित्र, जन्मदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और अगत्स्य आदि आठ ऋषियों के संतानों को गोत्र के नाम से पुकारा गया है। एक गोत्र के सदस्यों द्वारा अपने गोत्र से बाहर विवाह करना ही गोत्र बहिर्विवाह कहलाता है। इसी में दूसरा है सहप्रवर बहिर्विवाह। प्राचीन समय में अग्नि पूजा और हवन का प्रचलन था। हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करते समय पुरोहित अपने प्रसिद्ध ऋषि पूर्वजों का नाम उच्चारण करते थे। इस प्रकार समान पूर्वजों और समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति अपने को एक ही प्रवर से संबंधित मानने लगे। एक प्रवर के व्यक्ति अपने को सामान्य ऋषि के पूर्वज से आध्यात्मिक रूप से संबंधित मानते हैं, अतः वे परस्पर विवाह नहीं करते। तीसरा है सेपिंड बहिर्विवाह। सेपिंड का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है। वे सभी व्यक्ति सेपिंडी हैं जो एक ही व्यक्ति को पिंडदान करते हैं, और दूसरा है सभी व्यक्ति जो एक ही शरीर से पैदा हुए हैं वे सेपिंडी हैं। इसे ऐसे समझिए कि पिता और पुत्र सेपिंडी हैं क्योंकि पिता के शरीर के अवयव पुत्र में आते हैं। इस प्रकार से माँ व संतानें, दादा दादी और पोते भी सेपिंडी हैं। सेपिंड विवाह भी निषेध रहता है। माता एवं पिता दोनों पक्षों में से तीन तीन पीढ़ियों के सहपिंडियों में परस्पर विवाह करने पर रोक लगा दी गई है। चौथा है ग्राम बहिर्विवाह। उत्तरी भारत और प्रमुख तक पंजाब और दिल्ली के आसपास यह नियम है कि एक व्यक्ति अपने गांव में विवाह नहीं करेगा। पंजाब में तो उन गांवों में भी विवाह करने की मनाही है जिनकी सीमा व्यक्ति के गाँव की सीमा को छूती हो। अगला है टोटम बहिर्विवाह। इस प्रकार के विवाह का नियम भारतीय जनजातियों में प्रचलित है। टोटम कोई भी एक पशु, पक्षी, पेड़ पौधा या निर्जीव वस्तु हो सकता है जिसे एक गोत्र के लोग आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। उनसे अपना आध्यात्मिक संबंध जोड़ते हैं। एक गोत्र का एक टोटम होता है और एक टोटम को मानने वाले परस्पर भाई बहन समझे जाते हैं, अतः वे परस्पर विवाह नहीं कर सकते। तीसरा नियम है अनुलोम विवाह। जब एक उच्च वर्ण या जाति, उपजाति, कुल या गोत्र के लड़के का विवाह
किसी ऐसी लड़की से किया जाए जिसका वर्ण, जाति, उपजाति या कुल लड़के से नीचा हो, तो ऐसे विवाह को हम अनुलोम विवाह कहेंगे। अगला है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का विपरीत ही प्रतिलोम विवाह होता है। इस प्रकार के विवाह में लड़की उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल या वंश की होती है और लड़का निम्न वर्ण, जाति, उपजाति या कुल और वंश का होता है। उदाहरण के लिए, एक ब्राह्मण लड़की का विवाह किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र लड़के से होता है, तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है।